से मिलकर के ऐसा महसूस कर रहा हूँ, राय साहब से जब भी मिली, एक बहुत साधारण इंसान से, एक बहुत प्यारे दोस्त से मिलेंगे, देशपाल जी से तो पहली मुलाकात थी, लेकिन उनको सुनकर के ये लगा कि जो आदमी साइकिल पर यहाँ की दशा एसएसपी के रूप में देखता होगा तो सीआईडी के रूप में भी कुछ सीआईडी जरूर कर। तो मुझे इस बात से खुशी है कि मैं इन सभी लोगों के बीच आया। मेरे ऊपर और थोड़ा समझे दूसरी बात तो मुझे अध्यक्ष बना दिया। अध्यक्षता का बड़ा सबसे बड़ी हानि होती है कि उसे बोलने की क्षमता कम है, समय इतना हो जाता है कि औरों को सुनते सुनते जब बेचारे का उसका नंबर आता है तो लोग जो है उबे हुए बैठे हैं। लेकिन मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, मैं बड़ा अनुशासित व्यक्ति हूँ, कि 1:30 बजे जो आपका भोजन का समय होगा उससे पहले मैं निकलती थी और मैं आपका भी बहुत ज्यादा भोजन बन। कमलेश्वर स्मृति व्याख्या ऐसा कार्य नहीं कर पाई है कि उसने कमलेश्वर की स्मृति में कोई व्याख्यान मारा, ऐसा लगानी पड़ रही है। क्यों उन्होंने लगाई? और उसमें यह भी लिखा था कि सारिका में छपना लेखक को प्रतिष्ठा और पॉकेट, बड़ा मोटा पेमेंट देती थी सारिका टाइम्स ऑफ इंडिया को, प्रतिष्ठा और पॉकेट दोनों दृष्टियों से सोच करती तो बात ठीक नहीं कर पाई। तो जो मेरी पहली भेंट हुई वो दूरदर्शन के अतिरिक्त महानिदेशक थे और ये पुस्तक उन तक पहुंच चुकी थी बातचीत। मैं गया, लंच का समय हो गया था और उनकी वसंत साठे से जो केंद्रीय सूचना मंत्री प्रसारण मंत्री थे उस समय, उनसे उनकी कोई बैठक थी। उनका पीए जो था कोई शायद आईएएस या प्रांतीय सेवा का अफसर होगा, वो मुझे मिलने न दे, बोले कि आपका काम करे मेरा नाम दे दे यार, अगर उम्मीदवार बनाना हो बना लेंगे। जैसे मैंने चिट भेजी, मैं उनके बिल्कुल अपरिचित एक छोटा सा आदमी था, लेकिन उन्होंने बड़े प्यार से बड़े सम्मान से बुलाया और बातचीत करते हुए कब 1.5-2 घंटे चले गए, उन्होंने वसंत साठी का मान खैर बोले नहीं मैं रात को अंबाला होटल में रुकूंगा और सुबह हमारे कार्यक्रम में पहुंचूंगा। खैर मैंने उनको बड़ी मुश्किल से बनाया कि आप वहां आएंगे अंबाला आपको दिक्कत होगी, क्यों रख दिया वो केवल नाम से चिड़का के नाराज हो गए। अगले दिन कह भी सके ये बहुत बड़ी साहस की बात है और प्रतिशील सोच के होते भी कमलेश्वर ने अध्यय कृष्ण लिखा कि अध्यय हिंदी साहित्य की अजंता थी। मित्रों कमलेश्वर के व्यक्तित्व में बहुत देर बोल सकता हूँ लेकिन बोलना नहीं चाहूंगा, आपकी धैर्य की परीक्षा बड़ी तो बहुत तेज से आगे चली। चलिए आजकल मुझे उनकी कहानी याद आती है और अक्सर मैं डेली याद करता हूं। मैं कोशिश करूंगा डेली अखबार की क्वालिटी कंपेयर करके बताऊंगा। सुबह सुबह मुझसे पूछा करते थे भाई शायद ये बताओ कि हिंदुस्तान टाइम्स उठा लो, उस टाइम हिंदुस्तान टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया में वॉर चल रही थी दिल्ली टू कैप्चर द मेट्रोपॉलिटन मार्केट। वो सुबह अखबार उठा के ये बिल्कुल नहीं देखते थे कि यार न्यूज उसमें कौन सी है, मेरे में कौन सी नहीं है, या एड उसमें सुबह या आर्टिकल उसमें ऐसा क्या है जो मेरे में नहीं है, वो उठा के देख लेते भाई साउथ दिल्ली में इन कंपनियों के हिंदुस्तान टाइम्स में मेरे अखबार में कैसे नहीं आए। बुलाओ भाई उसे प्रोफेशनल जो आदमी वहां डील करता है उसको बुला के मैं झाड़ता था, जाओ उस कंपनी में जाकर ऐड लेकर आओ। मैं कहता था सर टाइम्स ऑफ इंडिया की तो अपनी क्वालिटी है सर, हमें तो बोला यार हमें 1 रुपए में अखबार बेचना है, एडवर्टाइजमेंट के बिना अखबार नहीं चलता। फिर वो मुझे न्यूयॉर्क टाइम्स दिखाते थे कि देखो जिस अखबार की जितनी कीमत उससे ज्यादा इसकी रद्दी में कीमत मिल जाती है। तो सर अखबार के कॉमर्शलाइजेशन के बारे में आपने कहा इसलिए मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, यही हाल आज के डेट में न्यूज चैनल का है सर। मैं नरवाना में एसडीएम होता था, एक इंस्टेंस ऐसा हुआ किसी एक गांव में किसी एक टीचर ने एक लड़की के साथ थोड़ी बदतमीजी कर दी। इट कैन नॉट बी कॉल्ड एज ए मोलेस्टेशन बट इट कैन बी पुट इन द केस ऑफ सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन। की बात जो एक लड़की आई वहां से सीएनएन आईपीएन से नया नया चैनल था, उन्होंने उठाकर अखबार में छापा 64 गर्ल्स, क्योंकि उस पूरे स्कूल में 64 लड़कियां थी, 64 गर्ल्स मोलेस्टेड इन हरियाणा, आपको पता होगा सर इस टॉपिक। मैंने उठा के नोटिस पकड़ा, मैं कई देर तक तो किसी का कोई रिस्पांस नहीं आया, मैंने ऊपर सरकार से भी बात करी, मैंने कहा सर दिस इज हाईली अंडर सर चैनल को बैन कीजिए, कुछ नहीं हुआ। मैंने राजीव सर सारदेसाई को नोटिस पकड़ाया सर वहां से कि आपने जो ये न्यूज फैलाई है इससे आने वाले, मैंने गांव वालों से कहा आप एक PIR हाईकोर्ट में डाल दिए कि इस तरीके से एक ब्लैंकेट पर उन्होंने कहा। फिर बाद में उनका जब फोन आया थे सेट किया हमें कोई करस्पॉन्डेंट मिला नहीं, ये लड़की पेज 3 करती थी इसको हमने वहां भेज दिया। उठा के वहां लगा दी 64 गर्ल्स रेप इन विलेज इंडिया। सर आप सोच के देखिए कल को लड़कियों की शादी ना, कल को कोई ऐसी बात हो जाए तो कौन जिम्मेवार होगा। अभी मैं सर ज्यादा बातें तो करूंगा नहीं सर अखबार के बारे में, पर एक इंस्टेंस मैं आपको जरूर बताऊंगा। अभी सर एक केस में मुझे जस्टिस महेश ग्रोवर के सामने पेश होना पड़ा कि बोले आपकी कंटेंट बन जाएगी। मैंने कहा सर कंटेंट क्यों बन जाएगी,
तो वकील भी थे वहाँ पे, एजी बोले बिल्कुल मत बोलना आपकी सैलरी कट जाएगी, आपका ये हो जाएगा। उससे थोड़ी देर पहले वो बठिंडा के एसएसपी भी 50,000 रुपए की रिकवरी डाल चुके थे। मैंने कहा नहीं, मेरे को जो बात बोली अगर मैं कोर्ट में भी नहीं बोल सकता तो फिर मैं कहाँ जाके बोलूँ। वी डोंट हैव एन ऑफिशियल फोरम, वी डोंट हैव एन एसोसिएशन, पत्रकार भी हमारी बात भी चहाट काट के छापते हैं, मैं किसके आगे जाके बोलूँ। बोले हाँ यंग मैन बताइए आपको क्या बोलना है। मैंने कहा सर आपने मुझे नोटिस भेजा, ये नोटिस सर आपने प्रोटोकॉल सेक्शन में भिजवाया, मुझे नहीं मिला। फिर जब ये 16 तारीख को मेरे भाई हैंड डिलीवर हुआ, मैंने 17 तारीख ऑर्डर इंप्लीमेंट कर दिया। 18 को आपको घरों की परीक्षा है, उसमें उन्होंने आगे लिखा था कि एक छोरा तो रहे ना रहे दूसरे छोरे का करियर जरूर खराब हो जाएगा, सेकंड छोरा वाज मी, फर्स्ट छोरा वाज रणदीप सिंह सुरजेवाला। फिर उसके अलावा सर एक बार इंडियन एक्सप्रेस ने एक बहुत अच्छी स्टोरी लाइव कवर करी थी इन विलेज का घसोखुर्द, आपको पता होगा सर वहां पे जस्ट आफ्टर गोहाना घसा। बोला सर मानना पड़ेगा, और तो कोई होता ना होता आपकी बैंड जरूर बज जाती। पब्लिश दैट स्टोरी था, वो मैं जरा यहाँ पढ़ के सुनाऊंगा सर। ये एक आर्टिकल है जो कि एक मैं आई वोंट टेक द नेम और सब कुछ। अंबाला शहर के विधायक विरोध शर्मा एक ब्राह्मण समुदाय से संबंध रखते हैं, जो कि सर बहुत अच्छा फोरम है, मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। उनके पिता पंडित केदारनाथ एक कट्टर ब्राह्मण व्यक्ति थे, वर्ड्स माइंड कीजिएगा। और जब से उन्हें अंबाला शहर से विधानसभा का 2005 में टिकट मिला तो ब्राह्मणों ने सर आंखों पर बिठाया और सरकार बनाने के बाद विनोद शर्मा ने यह संदेश भी दिया, क्योंकि सरकार बनते ही जेपी कौशिक अंबाला में ब्राह्मण डीसी के रूप में तैनात हुए। उसके कुछ समय बाद ओपी लांगिया डीसी लगे, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के बाद फिर विनोद शर्मा ने ब्राह्मण डीसी आप ही भारद्वाज को अंबाला में लेकर आए, लेकिन अज्ञात कारणों के बाद उनकी ट्रांसफर कर दी गई। उस वक्त पूरे ब्राह्मण समाज में इस बात को लेकर नाराजगी भी हुई और वह नाराजगी उस वक्त और बढ़ गई जब एक मुसलमान समुदाय के व्यक्ति मोहम्मद शाहिन को अंबाला का डीसी लगा दिया गया। और उस वक्त विनोद शर्मा को अलग अलग ब्राह्मण समुदाय ने इस बात को लेकर नाराजगी जाहिर की कि ब्राह्मण अधिकारी को हटाकर एक मुसलमान अधिकारी नहीं लगाया गया। ये फैक्ट है सर, मेरे फादर आर्मी में थे, मेरी मदर जो है गवर्नमेंट सर्विस में थी, शी वाज अ वेरी गुड न्यूरोसर्जन, और हम लोग हमेशा कैंप में रहे। मैं जो बोलता हूँ सर बड़ा स्पष्ट बोलता हूँ, स्पष्ट बोलने की वजह से मैं कई बार परेशानी में पड़ता हूँ, पर मेरी स्पष्ट होने की वजह से मैं बच भी जाता हूँ परेशानियों से। तो हमें बचपन में कहा गया कि आप कुरान शरीफ पढ़िए, कंपलसरी होता है। तो सबसे पहले जो कुरान शरीफ पढ़ने मोहम्मद शाहिन लगा हुआ है वो इसलिए क्योंकि मेरे फादर का नाम एम एम मोहम्मद है। तो बिना कुछ जाने कि ये वेदर ही इज अ प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मुस्लिम सर, एक होता है प्रैक्टिसिंग मुस्लिम एंड अदर इज नॉन मुस्लिम। देयर इज नो अदर वर्ड कॉल्ड प्रैक्टिसिंग मुस्लिम एंड नॉन प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, देयर आर ओनली टू थिंग्स। अब आगे पढ़िए सर, ये सब बातें ठीक है कि हर राजनीतिक व्यक्ति अपने आदमियों को ताकत देता है, लेकिन जो विनोद शर्मा ने मोहम्मद शाहिन को अंबाला का डीसी नियुक्त करवाया उससे हिंदू समाज में एक अच्छा संदेश नहीं गया, क्योंकि मुसलमान अधिकारी कभी भी हिंदू समाज का सम्मान करना पसंद नहीं करता, क्योंकि मुसलमान जाति में मूर्ति पूजा अलाउड नहीं है और अक्सर लोग डीसी को हवन यज्ञ करने के लिए जगरातों में ज्योति प्रचंड करने के लिए बुलाते हैं, लेकिन यह डीसी किसी भी ऐसे कार्यक्रम में नहीं जाते जिससे ऐसी कोई औपचारिकता पूरी होती हो। विनोद शर्मा को चाहिए कि मोहम्मद शाहिन को ऐसे क्षेत्र में डीसी लगाए जो मुस्लिम समुदाय डोमिनेटेड क्षेत्र हो। हरियाणा में एक नया एरिया बनाना पड़ेगा सर, अंबाला में मुस्लिम वर्ग का डीसी लोगों के गले के नीचे। क्या ऐसा समाज में क्या होता जा रहा है कि जो अच्छा पक्ष है ये जो टीवी संस्कृति है केवल संस्कृति है, इसका कोहरा इतना ज्यादा छा गया है कि जो साहित्य की सारी विधाएं इसके लिए चिपकी जा रही हैं। अब उसको देखने के लिए तो बहुत बड़ी फ्लड लाइट लाई जाए ताकि कोहरे को चीर के निकाल के बाहर दिखा सके, या कोहरे को हटाने का कोई इंतजाम किया जाए। कोई रास्ता तो निकालना पड़ेगा, ये सोचना पड़ेगा इसे वजह क्या है कि लोग इस तरह से क्यों उठते जा रहे हैं, अच्छी चीजों से पीछे क्यों उठ रहे हैं। अभी गुप्ता जी ने बड़ा अच्छा मुद्दा उठाया पत्रकारिता वाला की साफ सुथरा और वीर पत्रकारिता, मैं इससे बिल्कुल सहमत हूँ पूरी तरह से कि पत्रकार भी इसी समाज के हिस्से हैं, जो बुराइयां समाज में आ रही हैं उनका असर उन पर भी पड़ रहा है। अच्छे लोग भी हैं बुरे लोग भी हैं, ये बातों की ठीक है, जहाँ बुराई है हमें उसे कंडम करना चाहिए। अभी जिस तरह से एक व्यथा एक आत्मव्यथा हमारे टीसा में रखी, हालांकि आत्मव्यथा हल्का शब्द है, या जो उन्होंने सत्यता कही है वाकई हमें शर्म आ रही थी। एक अफसर इतने इतने मतलब क्लेश के साथ एक बात कहे और पत्रकार बैठे सुने उसको और देखते रहे, ये बड़ा शर्म वाली बात है और सामूहिक शर्म। मैं समझता हूँ इस पर एक विचार होना चाहिए एक नए सिरे से, पत्रकारों को चाहे वो लोकल हो, उत्तर स्टेट के प्रेसिडेंट बैठे हैं यहाँ पर, उनको विचार करना चाहिए कि अगर इस तरह की बातें होती है कहीं पर, अंबाला में होती है बाहर होती है,
और इस पत्रकारिता बढ़ती है, बढ़ावा मिलता है।